मेरा नाम असिस्टेंट प्रोफेसर इमरान अहमद हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फैकल्टी मेम्बर्स हूँ। नस्ट का स्टॉल यहाँ पे है बेसिकली नस्ट के जितने इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, ताकि उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को कमर्शलाइज किया जा सके। तो नस्ट के ऑलमोस्ट 20th कैंपस हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। कराची में इसका जो कैंपस है पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से है, और यहाँ पे नस्ट अपने तमाम स्कूल्स के इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स के जो प्रोजेक्ट्स R&D के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे लेके आए हुए हैं। और बेसिकली जो पर्पज़ है वो ये कि इनको हम कैसे मार्केट्स में कमर्शलाइज कर सकें और इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके इनकी बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शंस करा सकें। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो जो R&D की एक्टिविटीज़ नस्ट में हो रही है वो किस तरह की हो रही है और किस तरह के इसमें वर्क्स हैं। तो नस्ट का जो ऑल ओवर जो रैंकिंग है इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में 267 पर है, तो जो कि किसी भी एशियन यूनिवर्सिटी के लिहाज से और स्पेशली मुस्लिम कंट्री के लिहाज से सबसे टॉप पे है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि स्पॉन्सर्ड हैं। नस्ट का जो कैंपस है उसमें जितने भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक इंक्यूबेशन सेंटर है, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, उसमें सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट पैटर्न्स हो चुके हैं जिसके थ्रू भी नस्ट को जो रिकग्नाइज मिल। अभी जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये एक फ्यूल इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स है इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसमें इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया गया है और ऑलमोस्ट 20% इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, जिसमें कि हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हाइड्रोलाइसिस का, जिसमें ये कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अलग किया जा रहा है डिस्टिल वाटर से, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज अ गैस इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में यूज़ हो रहा है। तो इसमें ऑलमोस्ट 20% जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सिमिलरली LED के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। LED डिस्प्ले तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें एक इनोवेशन ये की गई है कि ये आप जस्ट एक SMS के जरिए आप जो स्क्रोलिंग डिस्प्ले है वो आप चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके जो एप्लीकेशन है वो फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, शॉपिंग प्लाजाज, हॉस्पिटल्स, एवरीवेयर। और हम लोग जिस तरह कम्युनिकेशन फास्ट होती जा रही है उसी तरह हमें कम्युनिकेशन उसी हिसाब से चेंज होती जा रही है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होती है। अब मोबाइल हर एक इंसान के पास हैं, आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि इसको किस तरह हम एज अ कम्युनिकेशन जल्द से जल्द की जाए। तो हमने एक SMS बेस्ड एक स्क्रोलिंग डिस्प्ले बनाया है जो कि सिर्फ एक SMS के ज़रिए आप अपना मैसेज डिस्प्ले कर लें। उसके साथ में एक हमारा दूसरा प्रोजेक्ट पड़ा है जो कि है लोड मैनेजमेंट के मुताबिक। आजकल लोड शेडिंग और इस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं और कोई आपकी लाइट जली रह गई है या कोई AC ऑन रह गया है तो आप एक SMS के ज़रिए उसको ऑफ़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको वापस घर में आए। अगर आप ऑफिस में हैं और आप घर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि घर जाते साथ ही आपको AC ऑन मिले, रूम टेम्परेचर आपको कम मिले, तो आप एक SMS के ज़रिए उस लोड को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। स्विच बोर्ड है जो कि 220 वोल्ट AC के ऊपर काम कर रहा है, जो नॉर्मल आपके घर की सप्लाई है। बस ये कि आपको एक सर्किट इंस्टॉल करना है वहाँ पे। जो सर्किट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक SMS के ज़रिए उसको मैसेज देना है, कमांड देनी है, और वो उस कमांड के ज़रिए एक्टिवेट हो जाएगी वो चीज़।